नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा आप लोगों को वेलकम करता हूँ YMW सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आपने सुधा ब्रांड का नाम सुना होगा। सुधा ब्रांड से बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सुधा का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि आप सुपर स्टॉकिस्ट कैसे बन सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूं। और फ्रेंड्स, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि फ्रेंड जितने भी मेरे नए नए वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि सुधा कंपनी जो है अपना समय समय पे जो है टेंडर निकालती है अपना डिस्ट्रीब्यूटर लेने के लिए या सुपर स्टॉकिस्ट बनने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अभी क्या अपॉर्चुनिटी आप लोगों को निकला हुआ है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, अगर आपने सुधा कंपनी का नाम नहीं सुना है तो आप लोगों को बता दूं कि सुधा ब्रांड के बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट आते हैं, इसके अलावा मिल्क के जो है बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली यहां से सुधा कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे। तो यहां पे मैं सुधा कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूं। तो आप लोगों को बता दूं कि बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कंपनी का जो है सुधा ब्रांड है, और सुधा ब्रांड के अंदर जो है बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो यहां पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में जाएंगे, देख रहे हैं सबसे पहले मिल्क आता है। इसके अलावा मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे कि पनीर हुआ, दही हुआ, घी एंड बटर हुआ, ड्रिंक्स एंड बेवरेज भी इसके बहुत सारे। कौन कौन से ड्रिंक्स एंड बेवरेज है इसको देखने के लिए आपको ड्रिंक्स एंड बेवरेज पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सुधा का छाछ आता है, यहाँ पे कुलसिप है जो कि केसर फ्लेवर मिलता है, लस्सी मिलता है, ऐसे कई तरह के जो है सुधा ब्रांड के प्रोडक्ट मार्केट में आते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट का सुपर स्टॉकिस्ट या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है अपने डिस्ट्रिक्ट का, तो फ्रेंड्स वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो वीडियो को स्किप करके ना देखे। बट आप लोगों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज है कि अभी सुधा कंपनी जो है अपना सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए टेंडर निकाली है, और इसका अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है 31 जुलाई 2023, यानी कि फ्रेंड्स आज से 3 महीने का समय जो है आप लोगों के पास में है। तो आप लोगों के पास में अच्छा अपॉर्चुनिटी, जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर ले, इसके बाद जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे कि आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आप सुधा ब्रांड का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो रिक्वायरमेंट है, आपके पास गोडाउन के लिए 2000 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको 100 स्क्वायर फीट का ऑफिस भी रखना पड़ेगा। देन इसके बाद जो आपका दूसरा रिक्वायरमेंट है, आपके पास में कमर्शियल व्हीकल होना चाहिए ताकि आप उस व्हीकल से जो है पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। और यहाँ पे याद रहे फ्रेंड्स, आपके पास जो भी कमर्शियल व्हीकल होगा उस व्हीकल को जो है आपको पूरा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि फैब्रिकेशन करना पड़ेगा, ताकि उस व्हीकल के थ्रू जो है आप डेयरी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। इसके बाद जो आपका तीसरा रिक्वायरमेंट है, आपके पास में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो फ्रेंड्स आप इस बिजनेस को नहीं रन कर पाएंगे सही तरीके से। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, आपके पास में पहले से ही FMCG प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपका जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा उसका मिनिमम जो है 10 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, तभी जो है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, आपके पास में मैन पावर होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए। जो भी आपके पास में गोडाउन एरिया और ऑफिस एरिया होगा फ्रेंड्स, वहां पे कुछ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स वो सारे अवेलेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ गया कि यहां पे सुधा कंपनी आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मांगी है अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर अपने डिस्ट्रिक्ट का सुधा कंपनी का बनना चाहते हैं। तो अब हम बात करेंगे लाइसेंस की, कि आपको कौन कौन से लाइसेंस लगने वाले हैं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर रन करने के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो लाइसेंस है आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसके बाद जो दूसरा लाइसेंस है आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। इसके बाद जो आपका तीसरा लाइसेंस है आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। देन इसका जो आपका लास्ट लाइसेंस है आपको शॉप एक्ट के अंदर जो है एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप इसी चार लाइसेंस में आप सुधा कंपनी के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस आप रन कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है। यहाँ पे जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है, जब आप टेंडर फिल करेंगे फ्रेंड्स तब आपको जो है 25,000 रुपये का EMD अमाउंट आपको देना पड़ेगा। देन इसके बाद जो आपका दूसरा इन्वेस्टमेंट है, जब टेंडर आपको सक्सेसफुली अलॉट हो जाएगा तो फ्रेंड्स आपको कंपनी में 2,00,000 रुपये का सिक्योरिटी मनी जो है आपको देना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स जब आप 2,00,000 का सिक्योरिटी मनी आप देंगे कंपनी में, तो फ्रेंड्स जो भी आपने इनिशियली EMD दिया है 25,000 का, तो वो आपका डिडक्शन हो जाता है। तो आपको फाइनली जो है 1,75,000 रुपये का ही सिक्योरिटी अमाउंट का पेमेंट करना पड़ता है। इसके बाद जो आपका तीसरा इन्वेस्टमेंट है, आपके पास में जो कमर्शियल व्हीकल होगा उसको आपको परचेस करना पड़ेगा, लीज रेंट पर भी आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसका इन्वेस्टमेंट आपको अलग से लगेगा। अगर आप न्यू लेंगे तो फ्रेंड्स आपको कहीं ना कहीं 5 से 10 लाख का खर्चा आ जाएगा। अगर सेकेंड हैंड लेते हैं तो फ्रेंड्स आपका
5 लाख में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है, आपके पास में गोडाउन एरिया खुद का नहीं होगा तो उसको लीज या रेंट पे आपको लेना पड़ेगा, तो उसमें आपका कहीं ना कहीं अलग से 1 लाख का खर्च आने वाला है। देन इसके बाद आपके पास में ऑफिस होगा तो ऑफिस में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करने पड़ेंगे, सीसीटीवी कैमरा लगाने पड़ेंगे, कंप्यूटर चेयर टेबल ये सारे होंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है आपको अलग से इन्वेस्टमेंट जो है 1 से 1.5 लाख रुपए आपको करना पड़ेगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है, कंपनी से आपको इनिशियल स्टॉक जो है सुधा डेयरी प्रोडक्ट का परचेस करना पड़ेगा। तो आपको कितना अमाउंट का परचेस करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये जब टेंडर अलॉट होता है आपको तब कंपनी आपको पूरी जानकारी देती है। तो यहाँ पे मैं स्टॉक के अगेंस्ट में जो है इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं कर रहा हूँ, ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा है, जितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा उसके हिसाब से जो है आपको माल भी परचेस करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे अमाउंट कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है, आपके पास में वर्किंग कैपिटल एटलीस्ट 25 से 30 लाख का होना चाहिए। और इसका जो आपका लास्ट इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे अदर इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे ब्रांडिंग और जो है मार्केटिंग जो है आपका खर्च होने वाला है, तो इसके लिए जो है आपको 1 से 1.5 लाख रुपए अपने पास में रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपके पास में एटलीस्ट जो है 50 लाख रुपए होना चाहिए अगर आप सुधा के डेयरी प्रोडक्ट का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर अपने डिस्ट्रिक्ट का बनना चाहते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अभी सुधा कंपनी जो है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए टेंडर निकाली है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली एनसीआर है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता और सिलीगुड़ी है, आसाम में जो है ऊपर आसाम है जिसको तिनसुकिया बोलते हैं, और लोअर आसाम में गुवाहाटी के लिए निकला हुआ है, और यहाँ मणिपुर में जो है इम्फाल के लिए निकला हुआ, नागालैंड में कोहिमा के लिए, अरुणाचल प्रदेश में जो है ईटानगर के लिए, मेघालय शिलोंग के लिए, इसके अलावा मिजोरम में जो है ऐजवाल डिस्ट्रिक्ट के लिए निकला हुआ है, अगरतला हुआ, उत्तराखंड में जो है देहरादून और हरिद्वार है, उड़ीसा में भुवनेश्वर के लिए निकला हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आप ये सारे स्टेट से बिलोंग करते हैं और अगर आपको ये सारे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना है सुधा कंपनी का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर लेने के लिए, तो फ्रेंड्स आप इसके लिए टेंडर का अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप लोग क्वेश्चन होगा सर इसका हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कहां से मिलेगा, तो आप लोग बता दूंगा फ्रेंड्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके जो है आप ये सारे इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे देख रहे हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको इसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करके जो है आपको कंपनी में सबमिट करना पड़ता है। इसको सबमिट करने से पहले आपको बता दूं कि आपके पास में मिनिमम जो है 10 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस का, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? तो यहां पे चेकलिस्ट अगर आपको देखना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट आपको लगने वाला है, तो फ्रेंड्स यहां पे पूरा चेकलिस्ट दिया हुआ है, जैसे कि पासपोर्ट साइज का फोटो लगने वाला है और आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस का यहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है यहां पे ऑफिस का देना पड़ेगा, आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस का कॉपी आपको देना पड़ेगा, पैन, जीएसटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, फसाई लाइसेंस आपको देना पड़ेगा, अगर आप इंडिविजुअल एप्लीकेंट है तो आपका क्वालिफिकेशन का भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। देन इसके बाद जो है आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि आप किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है आप ब्लैकलिस्ट नहीं हुए। इसके अलावा जो है आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस का जो भी डिटेल होगा वो आपको पूरा सबमिट करना पड़ता है, बैलेंस शीट की कॉपी आपको अटैच करनी पड़ेंगे, इसके अलावा जो है आपके पास में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी एग्जिस्टिंग उसका जो है यहां पे फोटोग्राफ भी कंपनी को सबमिट करना पड़ता है। देन इसका जो है आपको ईएमडी जो है डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में आपको सबमिट करना पड़ेगा, डीडी मैंने बताया था यानी कि डिमांड ड्राफ्ट मैंने बताया था कि आपको 25,000 रुपए का लगने वाला है, कितना तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो आपको कैपेसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है आपको बताना पड़ेगा। देन इसका जो है आपका बिजनेस प्लान क्या होगा अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर सुधा ब्रांड का लेते हैं तो उसको आपको पूरे अच्छे तरीके से आपको बताना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये सारे डॉक्यूमेंट्स के चेकलिस्ट है, अगर आप इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस करते हैं तो आपको जो है एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आपने क्यों मिस किया। तो अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि अगर आपको ये टेंडर देखना है तो आप कहां से देख सकते हैं, तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा और यहां पे टेंडर है, आपको टेंडर में जाना पड़ेगा। जब यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सुधा ब्रांड लोगो सेल्फ लाइफ प्रोडक्ट फॉर मेजर सिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे टेंडर निकला हुआ है और लास्ट डेट क्या है 31 जुलाई 2023 से। तो फ्रेंड्स आपके पास में आज से लेकर अगर देखें तो आपके पास में टोटल जो समय है 3 महीने का है, 3 महीने के अंदर जो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें और आप इस टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेंडर डॉक्यूमेंट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड पे क्लिक करके, बट मैंने तो आपको दिखा दिया कि टेंडर डॉक्यूमेंट जब डाउनलोड करेंगे तो इसी प्रकार से आपको पीडीएफ ओपन होकर आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसके रिगार्डिंग किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग रीजन का यहाँ पे नंबर दिया गया है, जैसे कि अगर आप आसाम के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे गुवाहाटी ऑफिस का नंबर पूरा दिया गया, तो आप इस नंबर पे आप कॉल करके आप और भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पटना ऑफिस का भी एक कंसर्न पर्सन मिस्टर पंकज कुमार का नंबर दिया गया, आप इनको भी कॉल करके जो है आप अपनी सारी क्वेरी का आंसर ले सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को जानकारी हो गया कि अभी सुधा ब्रांड के अंदर जितने भी डेयरी प्रोडक्ट आते हैं तो आप उसका सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर स्टॉकिस्ट आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कैसे बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आपको सुधा कंपनी का जितना भी डेयरी प्रोडक्ट आता है अगर उसका बूथ ओपन करना है तो उसका आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप लोग को जानकारी नहीं है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेपरेट वीडियो भी चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों को सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा कि आप सुधा ब्रांड के जितने भी डायरेक्ट प्रोडक्ट आते हैं आप उसका बूथ ओपन करके आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को बता दूं कि फ्रेंड्स आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर अपने डिस्ट्रिक्ट का ले रहे हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे रिटेलर होंगे, बहुत सारे जो है सुधा कंपनी के बूथ होंगे, तो फ्रेंड्स आपको बूथ को भी सप्लाई करना है और रिटेलर को भी सप्लाई करना है, इस बात ध्यान रखें। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।